सब्सक्राइब कीजिए होम स्टाइल किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्टाइल किचन में। आज हम बनाएंगे मशरूम टिक्का। सबसे पहले एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। और अब हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 किलो हंकर डालेंगे, गाढ़ी दही। दही को गाढ़ी करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए हम कपड़े में बांध के रख देंगे, किसी भी कपड़े में, कॉटन का है कोई सा भी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 पैकेट मशरूम डालेंगे। मशरूम को हम थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च डालेंगे, 1 प्याज डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सिल्वर फॉइल से रैप कर देंगे और 1.5 से 2 घंटे के लिए ऐसी रख देंगे। अब हम टिक्का बनाएंगे। इसके लिए हम लोहे की स्टिक लेंगे या फिर आप टूथपिक भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें मशरूम का पीस डालेंगे, फिर अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे, अब हम इसमें ऑनियन लगाएंगे। ऐसे करके हम सारे टिक्का तैयार कर लेंगे। अब हम माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड को 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। अब हम इसे हाई रैक पे रखेंगे। कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम इसे ग्रिल मोड पे 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम ग्रिल मोड में रखने से पहले इसे बटर से ब्रशिंग करेंगे।
अब हम इसे फिर से हाई रैक पे रखेंगे और ग्रिल मोड में तीन से चार मिनट के लिए पकाएंगे। और ये हमारे मशरूम टिक्का बनके तैयार हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारे मशरूम टिक्का बनके तैयार हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।